जो पूरी स्टेशन का जो रीडेवलपमेंट का वर्क है, जिसको हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह डेवलप करेंगे, इसकी जो लागत सैंक्शन लागत जो है वो 162 करोड़ की है। यहाँ पे इसमें जो मुख्य बिंदु, इसमें जो हम लोग प्रोवाइड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, इसमें एक बिल्डिंग बनेगी जो कि G+3 स्टोरी बिल्डिंग होगी विथ कॉन्कोर्स की होगी। इसके बाद में इसमें सर्कुलेटिंग एरिया एंड लैंडस्केपिंग एरिया होगा। उसके बाद में जो प्लेटफॉर्म शेल्टर्स हैं, उसके प्लेटफॉर्म शेल्टर्स को हम लोग उसको प्रीस्ट्रेस कंक्रीट से करेंगे और सर्फेस को इम्प्रूव करेंगे। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं इसके प्रोवाइड करें। और जो फैसिलिटीज़ बिल्डिंग बनने के बाद में जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इसमें पूरी बिल्डिंग जो एयर कंडीशनड होंगी। उसके बाद में पार्किंग स्पेस काफ़ी लंबे स्केल में डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग के लिए सेपरेट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। 4 लिफ्ट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, 6 एस्केलेटर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसके बाद में जितने भी हमारा जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो भी व्हीकल्स होंगे उनको चार्जिंग करने के लिए सब फैसिलिटीज़ ऑल प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें टीटी के लिए रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जा रहा है, और टॉप फ्लोर पे हम लोगों ने 150 बेडेड रिटायरिंग रूम प्रोवाइड किया है। डॉर्मेट्रीज दिया गया है, तो जो यहाँ पे पिलग्रिम्स लोग आएंगे, टूरिस्ट लोग आएंगे, जो भी आएंगे, तो काफ़ी चीपर रेट में उनको स्टे करने के लिए फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास की अवेलेबल रहेगी। So Puri Railway Station is actually a world-class railway station that we are developing. The architecture style here is Kalinga temple architecture, because that is the history of the state of Odisha. And because this is a building being built in Puri, or in the Dham of Lord Jagannath, so the temple style of architecture is something that has been adopted in the facade. Now, by that I mean there are certain elements, certain materials, and certain design strategies which have been used to design the building. Again, because we are developing a state-of-the-art building, the interiors are designed to be world-class in a way where the materials and the design, which is use of less columns, having larger ceiling heights, and having barrier-free access with escalators, elevators, and open 4-story high concourse. So these are some things that we are adding to this building for the benefit and for the welfare, or for the good of the passengers who are coming to the station.